आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट का मुद्दा दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने वाला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार उनके साथ ही घूम रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब खुलकर सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोपी विभव के साथ खड़ी दिख रही है। केजरीवाल का करीबी और निजी सचिव विभव कुमार खुलेआम अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहा है। यहां तक कि विभव को मीडिया से बचाने के लिए खुद पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा बनाकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। हालांकि मीडिया के कैमरों की वजह से विभव केजरीवाल की कार में ही बैठा रहा, लेकिन जब तक पत्रकार विभव से सवाल पूछ पाते, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया, जिससे पत्रकार उससे कोई सवाल न पूछ सके। इस दौरान विभव को बचाने की कोशिश कर रहे आप कार्यकर्ताओं और मीडिया के बीच जमकर नोकझोंक हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर खिड़कियों को कवर करके रखे हुए, खिड़कियों को कवर करके पीछे ढकेल रहे। देखिए कैसे, अरे काहे कैमरामैन को हाथ कहाँ लगा रहे हो? हम नहीं लगा, कारगिल के साइड मैं धक्का नहीं दे सकता हूँ भैया, मैं कभी नहीं दूंगा। मैं तो कारगिल के साइड यहाँ पर जांच चाहता हूँ, जांच के ये मंच जो है स्वाति मालीवाल रात रात में जाके मेहनत करती है वहाँ पे, उनके संग होगा उसमें नहीं पूछेंगे। तो खुश हो रहे हैं कि आप कारगिल के शहीद पूछो उनसे जांच, ये गलत है क्या? इस पे नहीं पूछेंगे आपसे भी तो। अरे तो हम भी तो मोदी से पूछ रहे हैं, लोगों को दिखाई ना, ये बैठे हैं कब तक ये चुप रहेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे बताइए? अरे मोदी जी कब तक चुप रहेंगे? इसमें इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है ना, मोदी कब तक? ये आप राजनीतिक मुद्दा अपना बनाइए, लेकिन इन्होंने कारगिल के शहीद की बीवी का राजनीति, ये जो घटनाक्रम है कारगिल के शहीद की बीवी का राजनीतिक मुद्दा है, बताइए। देश की सांसद है, कब से आपने कहा राज्यसभा की सांसद के संग, इनका चेहरा भी दिखाइए, किस तरीके से कवर कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। आप कह रहे राजनीतिक मुद्दा, बिल्कुल आप करिए, आपके सवाल कर रहे हैं, संसद में बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो क्रिमिनल लाके बैठे हैं उसका बात करिए ना, रिपब्लिक भारत के राजनीतिक क्यों नहीं मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, देश उसका सवाल कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर दिख रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास गुंडागर्दी का घर बन चुका है। आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है, तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहें तो ज्यादा अच्छा है। ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी है और लंबे समय तक उनके निजी सचिव के रूप में काम करता रहा है। माना जा रहा है कि इसीलिए आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में लीपापोती कर रही है, बल्कि विभव को बचाने के लिए हर प्रयास करती भी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूं। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। संजय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत मैं करूँ, मैं एक बार ग्राउंड पर भी जाऊँगी मेरे सहयोगी, पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है कि पिछले 3 घंटे से भी ऊपर का वक्त हो गया। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और सीएम आवास पर मारपीट का यह पूरा मामला, जिससे पूछताछ करने के लिए वहां ये अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस उस वक्त वहां पर मौजूद है। स्वाति मालीवाल के घर पर एडिशनल सीपी स्पेशल सेल भी मौजूद हैं। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त यह हो चुका है, क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया? मैं सीधे रुक करती हूं जतिन का। जतिन, क्या अपडेट्स अब तक मिल रही है?
आज बिल्कुल देखिए मानी, तीन घंटे का समय बीत चुका है। दिल्ली पुलिस के वो दोनों सीनियर ऑफिसर्स अभी भी स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद हैं। उनकी माताजी से इस मामले में बातचीत की जा रही है। सबसे बड़ा पॉइंट इस केस में ये है कि जो स्वाति मालीवाल बीते तीन दिनों से वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। दिल्ली पुलिस की मंशा ये है कि उनसे जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार वो तीन दिन तक किसी के संपर्क में क्यों नहीं। दिल्ली पुलिस की टीम दो बार इसी घर पर पहुंची है जहां पर हम मौजूद है, सरकारी आवास है ये, यहां पर पहुंची लेकिन स्वाति मालीवाल ने उनसे संपर्क नहीं किया। आज सबसे बड़ा कारण यह भी है कि एनसीडब्ल्यू को दिल्ली पुलिस को एक एटीआर रिपोर्ट देनी, एक्शन टेकिंग रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में इन सभी कन्वर्सेशन का जिक्र किया जाएगा कि स्वाति मालीवाल से कितनी बार दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और वो आगे क्या कुछ लीगल एक्शन लेना चाहती हैं। हालांकि तीन घंटे का समय बीत चुका है, जो इंटरनल सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल और उनके पिता, उनकी माताजी जो है, उनसे बातचीत की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो भी वो स्टेटमेंट दे रही है उनको कागजों पे उतारा जाए। अब से कुछ देर पहले प्रमोद कुशवाहा जो कि एडिशनल सीपी स्पेशल सेल है, वो बालकनी में आए थे, वो फोन पर सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे। मैं एक चीज पर आपसे और अपडेट चाहूंगी जतिन, एक बार जरा जुड़े रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है और इस पर भी मैं चाहूंगी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी महिला ब्रिगेड जो है, महिला मोर्चा, वो जो कल प्रदर्शन कर रही थी सीएम आवास के बाहर, आज वही टीम स्वाति मालीवाल के घर भी पहुंची है। क्या पहले से कोई मिलने का समय लिया गया था? क्या स्वाति मालीवाल मिल रही है? क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है जतिन? ऐसी कोई जानकारी है कि वहां पर पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए 5:15 का कॉल टाइम है। दिल्ली महिला आयोग की जो एक तरीके से मोर्चा की जो विंग की महिलाएं हैं वो एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचेगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि तमाम सीनियर ऑफिसर्स अभी अंदर मौजूद है जो कि बातचीत कर रहे हैं स्वाति मालीवाल से भी और उनकी माताजी से भी। अगर डेलीगेशन यहां पर आता है, क्योंकि पहले किसी को भी इसकी परमिशन नहीं दी गई है और वो स्वाति मालीवाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो मिलना चाहती है नहीं मिलना चाहती, लेकिन अभी जिस कॉम्प्लेक्स में स्वाति मालीवाल का घर है वहां पर दिल्ली पुलिस डिप्लॉय की गई है। सीनियर ऑफिसर्स उनके फ्लैट पर मौजूद है और जो दूसरा उनका ग्राउंड स्टाफ है वो नीचे, अभी एक्सेस किसी का नहीं है, लेकिन महिला मोर्चा यहां पर पहुंचेंगी, कोशिश करेंगी मिलने की क्योंकि लगातार बीजेपी महिला मोर्चा मेरे ख्याल से पहुंच भी चुकी है जतिन, जिस तरह से मुझे जानकारी मिल रही है। और गणेश उनके साथ है जो बताया जा रहा है। गणेश, ये जो आपके पीछे महिलाएं खड़ी है ये वही है बीजेपी महिला मोर्चा? हाँ, महिला मोर्चा पहुंच चुकी है। स्वाति मालीवाल का जो आवास है, सरकारी आवास जो उन्हें मिला हुआ है, उस जगह पर महिला मोर्चा के यहाँ पर टीम पहुंच चुकी है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। मैम, आप लोग स्वाति मालीवाल के घर पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम सब महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। मैं ऋचा पांडे मिश्रा, हमारी प्रदेश की महामंत्री और प्रदेश की उपाध्यक्ष बहनें सब यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर स्वाति मालीवाल जी से मिलने आए हैं और उनको ये कहने आए हैं कि वो अकेली नहीं हैं। आज वो राज्यसभा सांसद भी हैं और एक दिल्ली में रहने वाली महिला भी हैं। हम एक महिला होने के नाते, एक सांसद होने के नाते उनको अपना समर्थन देने आए हैं। उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है। स्वाति मालीवाल जी एक सशक्त महिला हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, एक सम्मानित पद पे रही हैं और उन्होंने दिल्ली की बहनों के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। फिर आप लोगों ने दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया था और लगातार कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से एक महिला सांसद के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया। इस देश में देश संविधान से चलेगा। अगर किसी महिला के ऊपर, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे बैठी हो, कोई हाथ छोड़ देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर रक्षक भक्षक बन जाएगा तो महिलाएं, फिर हम सब अपनी राजनीतिक विचारधारा को अलग रखते हुए भी उसको सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल सड़कों पर थे, आज उनके घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, कल आप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आज घर पे मुलाकात? देखिए, हम कल भी सड़कों पे थे और कल भी हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे स्वाति मालीवाल जी के समर्थन में, और आज उनके घर पे पहुंचे इस संदेश के साथ कि दिल्ली भाजपा की प्रत्येक महिला उनके साथ खड़ी है। स्वाति मालीवाल जी महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं, उन्होंने हर महिला के लिए आवाज उठाई है, तो आज ऐसी क्या बात हो गई जब वो इतने बड़े मुद्दे पर दो दिन से वो गायब है, उनका कोई बयान नहीं आया है, वो रिपोर्ट लिखवाने नहीं जा रही। क्या कारण मानते हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ अपनी बात पुलिस को नहीं कही, ना लिखित में शिकायत दिया? देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, जब संजय सिंह ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना कि अभद्रता हुई है और उसके बाद आप देखेंगे कि जो केजरीवाल जी है वो एक्शन लेने की जगह विभव कुमार को अपने साथ लखनऊ की सैर करा रहे हैं। सांसद संजय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई होगी। देखिए, जो संजय सिंह जी हैं, इन्होंने भले ही अपनी टिप्पणी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने सच को छुपाने की जो कोशिश करी है। ठीक है गणेश, आप बात करते रहिए लेकिन